ये वर्ड फाइल छोटी सी आप लोगों के लिए बनाई है, इसको देखिएगा. थॉमस हार्डी एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, ठीक है. थॉमस हार्डी के ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है. यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में भी, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में थॉमस हार्डी का ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है. थॉमस हार्डी इज अ ग्रेट नॉवलिस्ट. Thomas Hardy is one of the greatest English novelists. With his 14 novels, he has carved for himself a niche and glorious mansion of English novel. He is a great poet as well as a great novelist. But the success and popularity of his novels, especially his six major novel, has overshadowed his glory. ठीक है, उसके वो एक बहुत great poet था and एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट उसकी जो सक्सेस और उसकी पॉपुलैरिटी थी वो उसके छह मेजर नॉवल्स की वजह से थी जो कि उसकी ग्लोरी एज अ पोइट को शो करते थे. एज अ डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पिटेड अगेंस्ट वास्ट फोर्सेस ऑफ नेचर ही स्टैंड सुप्रीम एंड हिज डेप्थ हैंडलिंग ऑफ प्लॉट सिचुएशन एंड सेटिंग्स रिवील द हैंड ऑफ अ सुपर्ब क्राफ्ट्समैन. अच्छा, ये जो है ना स्पेशली डिलाइनेट करता था ह्यूमन बीइंग्स को, pitted against vast forces of nature. वो नेचर को दिखाता था, नेचर रेड एंड गुड टू टेन क्लॉक, ठीक है. नेचर को इसने एक वाइल्ड फोर्स के तहत दिखाया अपने नॉवेल्स के अंदर और उसने देखा कि इंसान के साथ जो है ना नेचर बहुत बुरा करती है. इस वजह से हार्डी को पैसिमिस्ट भी कहा जाता है कि वो नेचर से शायद बहुत ज्यादा नाउमीद था, वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा नाउमीद था. उसकी यही थीम थी जो कि इसके तमाम नॉवेल्स के अंदर बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए एक सुप्रीम एक उसको इम्पोर्टेंस दी गई कि इस तरह किसी ने कभी नेचर को इस हद तक जितना कि हार्डी ने कहा कि उसने कहा कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ. कि वो कहता था, ये भी इसकी एक कोट है, हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ. कि एक लाइफ के अंदर हैप्पीनेस जो है वो जस्ट एक छोटी सी एपिसोड आती है और वो कहता है पूरी की पूरी जो लाइफ होती है वो हमारी फुल ऑफ सैडनेस होती है, उसमें हैप्पीनेस तो बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है. तो अपने इसी थीम को लेके उसने ये तमाम नॉवेल्स लिखे थे एंड ही स्टैंड सुप्रीम. उसने जितनी भी पोइट्री लिखी, उसने जितने नॉवेल्स लिखे, वो इसी थीम के अंदर लिखे कि नेचर रेड एंड प्रोथेंट लॉ, कि नेचर जो है वो शायद दैट इज द फाइट्स फोर्स अगेंस्ट एक्टिंग अगेंस्ट द ह्यूमन बींग, ठीक है. वो ह्यूमन बींग के अगेंस्ट जो है नेचर जो है वो शायद ऐसा एक फाइट्स रोल प्ले कर रही है कि इंसान जब कुछ करने की कोशिश करता है तो नेचर उसके आड़े आ जाती है और उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं. हार्डी का जो नॉवल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसके अंदर भी इसी तरह दिखाया गया कि वहां पे जो भी कुछ करने की कोशिश करता था या वहां पे उस नेचर से नफरत करता था या उस एग्डन हीट से नफरत करता था तो वो जो एग्डन हीट थी वो उसको किल कर देती थी. वो नेचर का रोल प्ले कर रही थी और वो उसको किल कर देती थी. तो नेचर उसने वहां पे एग्डन हीट को दिखाया कि इवन उसकी जो हीरोइन थी जो क्लाइम की बीवी थी, क्लाइम इज द हीरो एंड द हीरोइन इज द यूस्टेशिया वाई, और यूस्टेशिया वाई वहां से भागना चाहती थी, वो उस एग्डन हीट को छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन उस एग्डन हीट ने उसको किल कर दिया. और वो एग्डन हीट हर उस इंसान को सोलस देती थी जो कि उस एग्डन हीट से प्यार करता था. क्लाइम जो है वो एंड में अंधा हो जाता है, तो यानी कि वो जो करना चाहता है वो क्लाइम भी वो नहीं कर पाता क्योंकि नेचर उसके आड़े आ जाती है. ही स्टैंड सुप्रीम, और वो इसी थीम के साथ ही स्टैंड सुप्रीम एंड हिज डेप्थ हैंडलिंग ऑफ प्लॉट, और उसकी ये डेप्थ हैंडलिंग ऑफ प्लॉट सिचुएशन और सेटिंग जो है उसको एज अ रिवील द हैंड ऑफ अ सुपर क्राफ्ट्समैन. The world of Hardy's novel consists of the region consisting of a part of southwest England to which he gave its old name Wessex. ठीक है, उसके जितने भी novels थे वो एक region पे depend करते थे, consist करते थे, जो कि consisting of a part of southwest England, जो कि southwest England का एक part था. उसके जितने भी novels थे वो एक साउथ वेस्ट इंग्लैंड का एक पार्ट था जो जिसको वो बैक ओल्ड नेम उसने उसका ख्याली नाम दिया या ओल्ड नेम दिया कि ये वेसेक्स है. ठीक है, वो एग्डन हीथ भी जो है वो वेसेक्स, उसको भी वेसेक्स नॉवल ही कहा जाता है क्योंकि वो भी वेसेक्स के अंदर ही उसने लिखा था, यानी कि जिस रीजन बेस्ड वो नॉवल लिखा गया उसका नाम वेसेक्स था. एंड सम अदर सिमिलर रूरल प्लेसेस, और इसी तरह की कुछ रूरल प्लेसेस, रूरल प्लेसेस यानी कि विलेज की जो लोकेशन है या विलेज एरियाज जो हैं
अर्बन कहते हैं सिटी और रूरल कहते हैं कि जो सिटी से बाहर यानी कि जो विलेजेस वगैरह होते हैं या जो वादियां होती हैं इस तरह की प्लेसेस को हम रूरल कहते हैं. बिलोंगिंग टू द रूरल वर्किंग क्लास ही वाज कीनली इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ पीजेंट्री. वो क्योंकि वो खुद रूरल वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था इसलिए वो पीजेंट्री की लाइफ को डिपिक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था एंड एडवोकेटिंग देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज. और आपको पता है हर विलेज के अपने अपने बिलीव्स और वैल्यूज होते हैं और वो उन्हीं को डिपिक्ट करता था. When he went out of his chosen region to deal with civilized and sophisticated life of cities, और जब वो अब उसने ये region जो है went out of his chosen region to deal with civilized and sophisticated life of cities, his writing lost its natural gusto. और जब उसने इस rural writing से हट के civilized और sophisticated life of cities पे लिखने की कोशिश की तो उसकी writing ने वो नेचुरल गस्टो जो है वो खो दिया एंड बिकेम आर्टिफिशियल एंड लेबर्ड. और वो उसके अंदर आर्टिफिशियलिटी और लेबर्ड वो यानी कि उसको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी और वो जो उसकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो जो है आर्टिफिशियल फील होती थी रादर देन जो कि उसने वेसेक्स नॉवेल्स लिखे उनके मुकाबले में. एज डेविड लिंडली पॉइंट आउट हार्डी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट टू राइट अबाउट द कंट्री साइड. कि हार्डी वो पहला नॉवलिस्ट था जो कि जिसने लिखा था राइट अबाउट कंट्री साइड एंड इट्स इनहैबिटेंट्स इन अ सीरियस फैशन एंड ऑब्वियसली ही ड्रू कॉन्स्टेंटली ऑन द इंस्पिरेशन ऑफर्ड हिम बाय द पीपल ऑफ कंट्री इन विच ही वाज बोर्न एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. हार्डी डेविड लिंडली का ये कहना था कि हार्डी वो पहला इंग्लिश नॉवलिस्ट है जिसने राइट किया अबाउट कंट्री साइड यानी कि कंट्री साइड विलेज की बात की उसने एंड इट्स इनहैबिटेंट्स इन अ सीरियस फैशन और उसके इनहैबिटेंट्स एक सीरियस फैशन यानी कि वो उनके जो भी उनके बिलीव्स और वैल्यूज थे सीरियस फैशन यानी कि उनके बिलीव्स और वैल्यू बेस्ड थे वो लोग एंड ऑब्वियसली ही ड्रू कॉन्स्टेंटली ऑन इंस्पिरेशन ऑफर्ड हिम बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. और उसने वो इंस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली ड्रू की जो कि उसको उस कंट्री के पीपल ने ऑफर की इन विच ही वाज बोर्न एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ जहां पे वो पैदा हुआ और उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी गुजारी. हार्डी नॉवल्स. अब अगर आपको ये कोट थोड़ी लंबी लगती है ना तो आप जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें और आगे जो है ना आप इसको डॉट 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 भी कर सकते हैं एंड इनवर्टेड कॉमास यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी कोट ही लिखनी होती है एंड देन आप लोगों को जो है प्रॉब्लम हो इसमें लिखने में. तो आप लोग पूरी की पूरी बेशक कोट ना लिखें, आप हाफ लिख दें, लेकिन हाफ इस तरह की कोट होनी चाहिए कि उसमें समझ आ रही होनी चाहिए कि लिखा क्या है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आधी कोट हो और उसमें समझ ही ना आ रहा हो कि जी लिखा क्या है. तो ऐसी कोट आप लोगों ने नहीं. उसके बाद आप देखेंगे हार्डीज नॉवल्स कंटेन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन डॉर्सेटशायर वेसेक्स. As Diana Neal remarks, no other novelist can render the sights and smells of the countryside with such evocative seriousness. कि कोई और novelist जो है इस तरह की sights और smells जो कि एक countryside को evocate करे, evocative sensuousness और किसी भी novelist ने ऐसे नहीं बयान किया. The vicissitudes in the life of his characters are described as occurring against the background of scenes located in the countryside. Aur wo jo vicissitudes in the life of his character ke wo uski uske characters ki life ke andar jo vicissitudes ya utar chadhav aa rahe the wo occur kar rahe the against background of scenes located in the countryside. It is a countryside that abounds in the various phenomena of nature in their changing aspects. ये वही countryside था जो कि abound था in various phenomena of nature in their changing aspect. Hardy observes nature closely. Hardy nature को बहुत closely observe करता है. ठीक है, Hardy बात ही ज्यादातर nature की करता है. ठीक है, and closely presents in his novel with fidelity to detail related to it. उसके अंदर मैन एज अ होल की फीलिंग थी, इट रिमेन्स
indifferent to his suffering aur wo uski suffering se totally indifferent hai. It is against the background of vast universe. Actually ye against the background of vast universe that drama of human life is enacted in human in Hardy's novel and tragedy of their heroes and heroine takes place. Usne dikhaya tha ki wo totally indifferent tha unki suffering se lekin background mein usne wo jo vast universe dikhai na उसके अंदर उसने ये दिखाया कि ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो हार्डी के नॉवल के अंदर क्या है दिखाया गया कि वो अगेंस्ट है बैकग्राउंड ऑफ वास्ट यूनिवर्स. ये वास्ट यूनिवर्स जो है वो अगेंस्ट है इस ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट है और ट्रेजेडी उसके हीरोज और हीरोइंस जो है इसी वजह से उनकी उसके हीरो हीरोइंस की ट्रेजेडी होती है जब वो इस वास्ट यूनिवर्स के अगेंस्ट या इस नेचर के अगेंस्ट इंसान को रखा जाता है. Hardy presents a picture of the vast elemental forces. Hardy ne present ki picture is vast elemental forces ki and shows their working on man's life aur unki working on man's life usne show ki. Yani ke Hardy ne inhi vast elemental forces in the form of nature. Theek hai nature ki form mein wo picture present karta hai in forces ki aur phir wo dikhata hai ki ye nature jo hai kis tarike se unki working hoti hai ek insaan ki life ke upar. Phir wo kehta hai the character of human beings is shown by him as being shaped by the environment around him aur wo jo character hai human being wo show hote hain shaped by environment. Uske characters jo hain wo jo environment hai wo jo nature hai jo uske ird gird insaan ke hai उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो मोल्ड होते हुए दिखाई देते हैं वो उसके अंदर जो है शेप होते हुए दिखाई देते हैं ऑफन सम नेचुरल ऑब्जेक्ट. अब इसके अंदर देखें इंसान को नहीं दिखाया कि वो एक एनवायरनमेंट में जी रहा है बल्कि एक एनवायरनमेंट दिखाया जिसके अंदर इंसान जो है वो शेप हो रहा है यानी कि इंसान अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर या तो शेप कर रहा है या वो एनवायरनमेंट वो नेचर जो है वो जो जो फोर्सेस हैं एनवायरमेंटल फोर्सेस वो इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो उस एनवायरमेंट के अंदर इस तरह से जिए. ऑफन सम नेचुरल ऑब्जेक्ट और सीन और सीन और डायरेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट और सीन डायरेक्ट्स द मोमेंट ऑफ द स्टोरी एंड गाइड्स द एक्शन ऑफ कैरेक्टर एज इज द सीन इन द केस ऑफ एग्डन हीथ in return of the native in which two prominent characters Eustacia Y and Clive Beobright take on the characteristics they have in novel partly because of their relation to the heat. Ab maine aapko return of the native ka bhi shuru mein hi thoda sa bata diya tha ki dekhiye natural object aur scene jo hai na wo direct karte hain moment of the story ko aur guide karte hain action of character ko. Us novel ke andar jitne bhi natural objects aur scenes hote hain na wohi actions of characters ko guide kar rahe the as seen in the case of Egdon Heath. theek hai Egdon Heath jo hai wo return of the native ke andar dikhai gayi theek hai aur uske andar phir dikhaya gaya in which two prominent characters Eustacia Y and Clive Beobright theek hai jiske andar do main characters the Eustacia Y aur Clive Beobright aur wo kya karte hain take on the characteristics they have in normal novel partly because of their relation to the heat aur usme dikhaya jata hai ki wo unka jo characteristics hai unko dikhaya gaya aur jo ke unka relation tha heat ke sath. Clive Beobright jo hai wo heat se mohabbat karta tha is wajah se yani ki wo Egdon Heath se mohabbat karta tha isliye Egdon Heath ne usko samo liya tha jabki Eustacia Y jo hai वो उससे नफरत करती थी इसलिए हीथ ने उसको किल कर दिया था. हार्डी ऑफर्स मच फ्रॉम जॉर्ज मेरेडिथ इन दैट इन मेरेडिथ नॉवेल्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू मैन देन टू यूनिवर्स अराउंड हिम. हार्डी जो है वो डिफर करता था जॉर्ज मेरेडिथ के नॉवल से क्योंकि मेरेडिथ के जितने भी नॉवल्स थे ना वो अटैच थे मैन के साथ देन टू द यूनिवर्स अराउंड हिम जबकि हार्डी के जो नॉवल थे वो किसके साथ अटैच थे. Whereas for Hardy, the natural universe is much more important than man and his society. Hardy के जो novel थे उसमें supreme power दी गई थी इस universe को natural universe को. वो कहता था ये environment जो है ना वो role play करता rather than man and his society and also quite unintelligible to him. Tragedy is Hardy's fort. Tragedy जो है वो Hardy का fort थी यानी कि Hardy
की सुप्रीम क्वालिटी थी उसकी राइटिंग की कि वो ट्रेजेडी बहुत खूबसूरती से लिखता था. ही प्रेजेंट्स मैन स्ट्रगल एंड सफरिंग इन द फेस ऑफ होस्टाइल यूनिवर्स. उसने जो उसकी ट्रेजेडी लिखी गई उसने दिखाया कि इंसान की स्ट्रगल और उसकी सफरिंग इन द फेस ऑफ होस्टाइल यूनिवर्स एंड अल्टीमेटली एनकाउंटरिंग डिफीट एंड डेथ एट द हैंड्स ऑफ फेट एंड सर्कमस्टेंसेस. और उसने दिखाया कि इंसान जो है उसकी शिकस्त होती है और उसकी डेथ होती है इन द हैंड्स ऑफ फेट और सर्कमस्टेंसेस. इंसान जो है फेट और सर्कमस्टेंसेस के हाथों मारा जाता है, यानी कि फेट और डिस्टेंस सर्कमस्टेंसेस को एक ओवरपावरिंग थीम के तौर पे हार्डी के नॉवेल्स में लिया जाता है और इंसान को दिखाया जाता है कि उसकी हमेशा डिफीट होती है. इंजर्ड एंड डेथ आर टू एग्जांपल ऑफ सच सफरिंग पर्सन. फॉर हार्डी लाइफ इज एसेंशियली ट्रेजिक. हार्डी के लिए लाइफ जो है वो एसेंशियली ट्रेजिक है. एंड मैन डेस्टिनी इज गवर्न्ड बाय आयरनी और circumstances over which he has no control. Or man or destiny jo hai wo govern ho rahi hai by irony or circumstances over which he has no control, jiska us pe control nahi hai. Several of Hardy's major novels, for example the return of the native, the mayor of Casterbridge, the woodlander, and test of Duberville's are tragedies and abound an element of gloom and despair intensified by death of their central figures. The tragedy in Hardy's novel presents the purely local and individual. Hardy ki jo tragedy hai novels ke andar wo transcend karti hai purely local or individual ko and seems to engulf the whole human race in its cosmic sweep. Aur wo engulf karti hai whole human race ko apne cosmic sweep mein. It is caused by the defeat of human beings at the hands of vast and powerful forces of nature, universe or providence. In presenting human life as tragedy, Hardy may be said to be expressing his pessimism and his gloomy view of life. Aur human life ko as tragedy jo present karta wo Hardy jo hai express karta apni pessimism ko. पेसिमिज्म कहते हैं होपलेसनेस को, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को. और यानी कि वो बहुत ज्यादा होपलेस था एंड हिज ग्लूमी व्यू ऑफ लाइफ, और उसका सैड व्यू ऑफ लाइफ था. ठीक है, पेसिमिस्टिक व्यू यानी कि सैड व्यू ऑफ लाइफ, ग्लूमी सैड को कहते हैं. ही सीम्स टू हैव अ मैनिकियन बिलीव इन इनएविटेबल प्रेजेंस ऑफ इवन. वो जो है ऐसा लगता था कि जैसे inevitable presence of evil hai in the universe which annihilates the good with its cruel hand. The roots of Hardy's pessimism may be thought to be like Matthew Arnold's in the conditions existing in his age that comprised the rapid advancement of science and consequent loss of core religious faith and long cherished values of life. Hardy himself suffered from loss of religious belief. Hardy khud bhi loss of religious belief ke tahat suffer kar chuka tha, which was followed by adoption of a belief in an impersonal fate, which is conveyed in several of his novels. His disgust. Acha, Hardy jo hai wo khud bhi religious belief ki wajah se suffer kar chuka tha, jo ke which was followed by the adoption of a belief in impersonal fate, jo ke जब उसका रिलीजियस बिलीव के ऊपर लॉस हो गया, यानी कि वो उन पे बिलीव नहीं करता था, तो फॉलो उसने किया किसको किया? एडॉप्शन ऑफ अ बिलीव इन एन इम्पर्सनल फेट. एक इम्पर्सनल फेट के बिलीव के ऊपर को उसने अडॉप्ट कर लिया, विच इज कन्वेड इन सेवरल ऑफ हिज नॉवल, जो कि कन्वे हुआ सेवरल ऑफ हिज नॉवल. हिज डिस्गस्ट एट द मॉडर्न लाइफ एंड इट्स सिविलाइजेशन मे बी सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस ऑफ फेथ एंड ग्रोथ ऑफ पेसिमिस्टिक आउटलुक. और वो जो उसका डिस्गस्ट था इस मॉडर्न लाइफ के बारे में और सिविलाइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबल था उसके लॉस ऑफ फेथ और ग्रोथ ऑफ पेसिमिस्टिक आउटलुक. हुआ ये था, होता ये कि बेटा जब इंसान का बिलीफ चला जाता है ना, तो वो हमेशा यही समझता है कि आज भी आप देखें, पता नहीं कितने स्टूडेंट से मेरी बात होती है, उनको यही लगता है कि जी शायद फेट जो है ना वो हमारी जो किस्मत है ना वही खराब है. ठीक है, जब इंसान जो है उसका वो उसके अंदर से ईमान चला जाता है ना, तो उसका सुकून भी चला जाता है. देखिए, ईमान किसे कहते हैं, फेथ किसे कहते हैं? ईमान उर्दू में अमन से निकला ना, अमन को कहते हैं. ठीक है, अमन
जब फेथ आपका चला जाता है ना, तो वो अमन, वो सुकून, वो स्पिरिचुअलिटी आप लॉस कर जाते हो। और जब वो अमन चला जाता है अंदर से, तो फिर आपको ऐसे लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या अगर मैं कुछ करूंगी भी तो फिर कुछ गलत हो जाएगा जिसकी वजह से मेरा डाउनफॉल होगा। तो उसका जो डिस्कस था, एट द मॉडर्न लाइफ एंड सिविलाइजेशन मे बी सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस ऑफ फेथ एंड ग्रोथ ऑफ पेसिमिस्टिक लव। आगे चलते हैं, और इसी वजह से उसका जो ये लॉस ऑफ फेथ किस वजह से था, इस मॉडर्न लाइफ और सिविलाइजेशन वजह से, बिकॉज ऑफ इस पेसिमिस्टिक आउटलुक हार्डली रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ह्यूमन एंडेवर। और इसी पैसिमिस्टिक आउटलुक की वजह से हार्डी रिस्ट्रिक्ट करता है स्कोप ऑफ ह्यूमन एंडेवर को, और मेक इट्स आउटकम सब्जेक्ट टू चांस, कोइंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड वर्किंग ऑफ मैलिग्नेंट फेट। अब इसी पैसिमिस्टिक आउटलुक में, इसके अगर आप नॉवेल्स पढ़ें, आप पार्ट टू में जाके पढ़ेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में पार्ट टू में जाके ये नॉवल आएगा आप लोगों का, रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो उसमें आप देखिएगा कि उसमें चांस, को इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड वर्किंग ऑफ मैलिग्नेंट फेट वो बहुत ज्यादा दिखाएंगे। देखिए, एक इंसान जब अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो जाता, फिर वो क्या करता है, वो कहता है मुझे चांस नहीं मिला, कोइंसिडेंस हो गया था, ये कोइंसिडेंस है, मेरा पेपर खराब हो गया, ठीक है, यानी कि अब शायद नसीब में ही नहीं है, या हमें वो एक्सीडेंट लग रहा होता है, या हमें वो वर्किंग ऑफ मैलिग्नेंट फेट लग रही होती है, या हमें अपनी किस्मत ही खराब लग रही है, हमें ऐसे लगता है जैसे फेट हमारी दुश्मन है। दीज थिंग्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज नॉवल्स एंड शेप द डेस्टिनी ऑफ हिज कैरेक्टर। द एक्सेसिव यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स टेक्स ऑफ मच ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज स्ट्रेटजीज, बिकॉज दे ओवरशैडो द एक्शंस ऑफ मैन व्हिच आर सपोज्ड टू लीड टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस। कैरेक्टर्स लाइक हैंचर, ड्यूड एंड टेस सफर मच इन लाइफ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर ओन mistakes or weaknesses, but also because of the circumstances prevailing around them and the cruel hands of fate pushing them towards their doom. और ये सारे उसके जितने भी characters थे, उन्होंने suffer किया not because of their own mistakes or weaknesses, but also because of the circumstances. बल्कि उन circumstances जो कि prevail किए around them, और cruel hands of fate जो कि उनको push करती है towards their doom. उसके बाद देखते हैं कि हार्डी इज मास्टर इन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। हार्डी जो है वो मास्टर था, अभी तो हमने उसकी ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा कि वो जी उसकी ट्रेजेडी बड़ी सुप्रीम थी, और वो जो है ट्रेजेडी उसका फोर्ट थी। अब देखते हैं वो मास्टर था इन द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कि वो कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे करता था एंड पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर फेथफुली थ्रू देयर मैनर, स्पीच एंड अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर। However, only his major characters are portrayed with a psychological insight. कुछ उसके major characters थे जिनकी psychological insight दिखाई गई, the minor one being used only to provide some comic relief and chorus-like commentary on the existing stations. Often his characters such as Zeus, Eustacia Y, and Zebriek Oak are delineated in subtle manner, but most of them, especially the minor ones, compromising rustics, hardly ever. और अच्छा, यहाँ पे देखें कुछ उसके कैरेक्टर्स थे जैसे स्यू, यूस्टेशिया वाय, जिब्रीक ओक, ये सबटल मैनर जो है उसमें डिलाइनेट किए गए थे, लेकिन कुछ उसके माइनर कैरेक्टर थे जो कि कंप्राइज करते थे रस्टिक्स को। रस्टिक्स कहते हैं बेटा वहाँ के मकामी लोगों को, ठीक है, वहाँ के जो विलेज के जो मकामी लोग थे, और उसको हार्डी ने एज अ कॉमिक कैरेक्टर भी शो किया था। हार्डली एवर कम अंडर द परव्यू ऑफ एनालिटिकल स्क्रूटिनिटी। इन फैक्ट हार्डी इज मोर इंटरेस्टिंग इन पोर्ट्रेइंग द एलिमेंटल पावर्स ऑफ यूनिवर्स। अब उसने ना सिर्फ कैरेक्टर्स यानी कि ह्यूमन बींग्स को कैरेक्टराइज किया था, बल्कि उसने एलिमेंटल पावर्स ऑफ यूनिवर्स, उसमें इसके नॉवेल्स के अंदर ये जो उसने स्पेशली एग्डन हीथ दिखाई ना, उसको एज अ कैरेक्टर दिखाया था। उसको नॉट ओनली उसने नेचर दिखाया था, बल्कि उसने नेचर को कैरेक्टराइज करके दिखाया था, नेचर को उसने एक रोल दिया था कि नेचर भी एक कैरेक्टर है उसके नॉवेल्स के अंदर। तो बेटा अपने माइक चेक कीजिएगा। एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम देन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। मोर ओवर ही ऑफन एम्प्लॉयज हिज कैरेक्टर्स एज माउथपीस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ।
और मोर ओवर वो अपने एम्प्लॉय करता है अपने कैरेक्टर्स को एज अ माउथ पीस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डीज कैरेक्टराइजेशन एज हिज ग्रेटेस्ट ग्रेटर कंसर्न विद मैन और वीमेन एज होल देन विद अ पर्टिकुलर वीमेन और वुमेन. एक और कैरेक्टरिस्टिक जो था हार्डी की कैरेक्टराइजेशन का वो उसका ग्रेटेस्ट ग्रेटर कंसर्न था विद मैन और वुमेन मैन और वीमेन के साथ उसका ग्रेटेस्ट कंसर्न था एज अ होल देन अ पर्टिकुलर मैन और वीमेन के किसी एक मैन या एक वीमेन को छोड़ के वो जनरली जो है वो मैन और वीमेन के साथ कंसर्न था. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बेकर हिज चीफ कैरेक्टर इज मैन एंड द प्ले एग्जिस्टेंस. उसका जो चीफ कैरेक्टर था वो मैन था और एंड द प्ले एग्जिस्टेंस और वो प्ले जो है उसका उसकी एग्जिस्टेंस थी. Hence to choose, give his interpretation. Hence to to give his interpretation of existence. So, अब वो existence की को क्या interpretation देता था and his view of interplay of man and nature. और वो इस interpretation of existence को और interplay of man or nature. Interplay of man or nature से क्या मुराद है? यानी कि man और nature के दरमियान जो एक मुकाबला चल रहा था, ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस किसके दरमियान थी? मैन और नेचर के दरमियान. हैज टू गिव टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड हिज व्यू ऑन द इंटरप्ले ऑफ मैन एंड नेचर. हार्डी चूजेस हिज ह्यूमन टाइप from those who are closest to nature. So Hardy ne human type wo choose ki jo ke closest to nature the, whom in whom the primitive impulses are strongest, jinke andar ye primitive impulses jo hain wo strongest thi, theek hai, jinke andar ye primitive impulses kya kehte hain, jo purane takyanusi khayalat the wo unke andar zyada the, usne unko जो है चूज किया instead of remaining preoccupied with psychological complexities of his character. Hardy shows the struggle between these characters and in different universes they have been thrown into by action of their work. Or instead of ke wo preoccupied rehta with the psychological complexities apne character ke, Hardy ne struggle show ki between characters or in different universes. In different universes kyun keh raha hai? Yani ke jis universe ke andar wo rehta hai wo shayad uski dushman thi aur wo un characters ke liye indifferent thi. यानी कि एक स्ट्रेंज यूनिवर्स के अंदर उसने अपने कैरेक्टर्स की स्ट्रगल को बयान किया. दे हैव बीन थ्रोन इनटू बाय द एक्सीडेंट ऑफ देयर बर्थ और उनको थ्रो किया गया इनटू बाय एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंटली वो शायद इस यूनिवर्स के अंदर इस डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर वो पैदा हो गए. द प्लॉट ऑफ हार्डीज नॉवल. अब देखते हैं प्लॉट कैसा था हार्डी के नॉवल्स का. द प्लॉट ऑफ हार्डीज नॉवल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट स्किल्स. प्लॉट जो था हार्डी के नॉवल का वो कंस्ट्रक्टेड था विद ग्रेट स्किल्स और वो उसके इन्वेंटिव पार्ट्स को शो करता था. बट दे आर ऑफन मेड बाय एलिमेंट ऑफ इम्प्रोबेबिलिटी इम्प्लॉजिबिलिटी कैजुअलिटी एंड एक्सेसिव यूज ऑफ कोइंसिडेंस. दीज प्लॉट्स कंप्राइज बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑफन प्रेजेंट अ ब्लेंड ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट as in the mirror of Casterbridge, sudden shift from one scene to another put a strain on common reader's attention. However, a careful arrangement of various events and situations has been helpful in imparting a unity to the structures of his novel despite the complex nature of the structure. On the whole, Hardy makes his plot serve as a compact unit to convey his tragic view of life and all the scenes, events, lead toward a climax which embodies his view. This view, there can no doubt about the merit of Hardy's art as a novelist. He can no, इसमें कोई शक नहीं है. Hardy as a novelist, जो है उसका merit जो है, despite certain shortcomings at it may betray. कुछ shortcomings हैं. As a short storyteller, as a constructor of plot, as a delineator of character, and as a painter of scenes and situations, he is simply superb. His pessimism and his predilection for tragedy may not be palatable to many, but the authenticity of his treatment of human life and genuineness of his concern for the tragic destiny of man are beyond dispute.
His greatness as a novelist lies in the cosmic view of life and the beauty and dignity of his best work. His view of a malignant fate and hostile nature may be a bit too gloomy to be easily acceptable, but his concern for and depiction of the pitiable lot of man in this world is admirable indeed. Lekin uski ye jo pitiable lot of man thi, lot of man yani ki insaan ki kismet pitiable, yani ki ek tars jiske upar hame bahut zyada tars aata hai, the lot of man in the world is admirable indeed. Ab Thomas Hardy jo hai usko beta ye aage as a novelist maine diya hua hai, isko ek dafa pad lijiyega. Iski kuch traits the as a novelist uske andar. Thomas Hardy was born in 1840 AD in the Dorset, which is the part of southwestern area of England, known as Wessex. Most of the Hardy's novels are set in the homeland, which he says has railways, mowing and reaping, machine illustrating laborers, etc. Following are main features of the work of Thomas Hardy. Regionalism. The regional novel right was one of the features of England in 19th century and was trending. And the scope of 19th century English novels is quite narrow as compared to work of Russia. Hardy wrote regional novels, they are confined to his district. Hardy ne regional novels likhe the aur wo uski district tak hi confined the. This is because he was well aware of this area, kyunki wo well aware tha apne area se, aur isi tarah uske importance of Wessex novels jo hain wo bahut zyada उसके जो है हाईलाइट होते हैं इसी सिनेरियो में. हार्डीज नॉवेल्स वर कन्फाइंड टू वेसेक्स. एज फॉर हार्डी, व्हाट हैपेंड इज इन वेसेक्स इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जो है वो हार्डी जो है वो ये शो करना चाहता था कि जो वेसेक्स में होना हो रहा है वो शायद हर जगह दुनिया में हो रहा है. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ऑफ दिस of his district are common to whole of the mankind. Thus his novels, though confined to Wessex, have universal application. Another reason for confining the outlook of his novels was his district, that his district is timeless and unchangeable. Aur ek aur reason jo thi ki usne apne novels ko just confine kiya apni district yani ke Wessex novels tak hi, kyunki wo ye samajhta tha ki uski jo district hai wo timeless hai aur unchangeable hai. It has its own history. Wessex ka apna history hai, culture hai, superstitions hai aur dialect. Dialect kehte hain maqami zuban. Thus Wessex is itself a character. So Wessex jo hai itself ek character tha. Unity of time and place dekh lete hain. As Hardy's novel have been set in a small area, the character live near one and other and often meet each other. They do not meet accidentally but because they desire to meet each other. Thus, one witnessed various coincidences in Hardy novels which have often been criticized by readers. By limiting the action of the novel to small confined area, he creates unity of place. Hardy has been provided the map of the area. Unity of place ka matlab ye hai ki ek hi place ke upar pura novel jo hai wo likha gaya hai. Hardy has even provided the map of area, the here plot his novels is set. Hardy ne even us area, us map of the area jahan pe novels likhe gaye, us area ka map bhi provide kiya. He also wants a unity of time because the action was to take a year and a day. Aur wo hamesha ek unity of time chahta tha kyunki action jo hai wo ek year ya ek day dono hi le sakta hai. His idea of writing, usme uska basic jo hai return of the native tha. Hardy in his novel does not try to prove anything. He believes that a novel should not argue a case for or against something, but instead it should be an impression such that writer is impression of life. ठीक है वो एक impression था जैसे writers का impression of life. For the impression of Hardy in the return of the native is that family relationship are tragic and that the people who try to rise above their class have to suffer. Aur usne return of the native ke andar kya dikhaya ki ye jo jitne bhi family relationships hain wo tragic hain aur people jo ke koshish karte hain apni class se aage jane ki to wo suffer karte hain.
ह्यूमन रिलेशंस एंड एस्पिरेशंस, इंसान के रिलेशंस और उनकी एस्पिरेशंस, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटी, हार्डी इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एस्पिरेशन एंड रिलेशनशिप, लव, मैरिज एंड फैमिली formed the central themes of his novels. Hardy was the first novelist to explore the man-women relationship out of the marriage that caused scandals in Victorian age. Other features dekh lete hain. His novels were mostly read in Victorian age as they portrayed the life and culture of middle class who had acquired money and had the leisure to read. He also find ample references to classical writers like Homer, Oedipus and Sophocles. ठीक है, उसने जो है क्लासिकल राइटर्स लाइक होमर्स, ईडिपस और सोफोक्लीस उनको भी फॉलो किया. बट ईडिपस राइटर नहीं था, सोफोक्लीस ने ईडिपस लिखी थी. ठीक है, होमर एंड ईडिपस नहीं करें इसको, होमर एंड सोफोक्लीस करें. ठीक है, क्योंकि उसने ईडिपस एक्चुअली कोई राइटर नहीं था, ईडिपस वाज अ कैरेक्टर. ये बेटा आपका